मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में गुरुवार को एनेक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नर्सिंग होम संचालकों सहित चारों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एयरफोर्स, रेलवे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत संवेदनशील समय है। इस समय हम सभी को मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कोरोना की लड़ाई को लड़ना है और मंडल के आम जन के जीवन की रक्षा करनी है। बैठक में गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मंडल के सभी प्राइवेट चिकित्सालय अपने यहाँ कोविड आइसोलेशन की व्यवस्था करें, जिससे कि किसी भी कोविड संदिग्ध व्यक्ति की चिकित्सा सेवा आवश्यकतानुसार की जा सके। ऐसे व्यक्ति को संक्रमित होने की रिपोर्ट आने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार विमर्श करके कोविड केयर फैसिलिटी में स्थानांतरित किया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आह्वान किया कि सक्षम प्राइवेट नर्सिंग होम्स में शासनादेशानुसार जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग प्रदान करते हुए L2 फैसिलिटी क्रियाशील कराएं। मंडलायुक्त ने बैठक में निर्देश दिया कि चारों जनपदों में होम आइसोलेशन एवं होटल आइसोलेशन में रखे गए लोगों की नियमित निगरानी के लिए मंडल के प्रत्येक जनपद में कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहे और प्रतिदिन लोगों से बात कर उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली जाए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि कोरोना सर्विलांस अभियान पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अभियान पर नज़र रखें और पीड़ितों की पहचान करते हुए जाँच कराएँ। एंटीजन किट का समझदारी से प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों की जांच कराएं और मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से जानकारी दें। सर ने विशेष परिस्थितियों में बुलाया है पूरे मंडल की, क्योंकि जैसा आपको विदित है कोरोना की महामारी में पर्टिकुलरली गोरखपुर में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज में 40 वेंटिलेटरी बेड्स, 160 बॉक्सेस में है, कोई डिस्चार्ज हुआ हो, एक दो खाली हुआ, केसेस उससे कहीं ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जिन्हें एडमिशन की ज़रूरत है और वो भी एडमिशन वहाँ वेंटिलेटरी फैसिलिटी में मिल जाए। और ट्रेन वो थोड़ा सा मंडल में दिक्कत आ रही है, हमारे कुछ जिलों में स्पेशलिस्ट नगण्य हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ जिलों में थोड़े हैं। इस सिचुएशन में सर के, डीएम सर के और कमिश्नर सर के दिशा निर्देश में हम लोगों ने एक बैठक करी थी और सर ने कहा आप डेवलप करिए। जैसा कि गोरखपुर वालों को पता होगा 100 बेड टीबी हॉस्पिटल हमारा जो रेलवे ये एयरपोर्ट के पास में है, वो पहले क्वारंटाइन सेंटर होता था, हमने उसको L2 फैसिलिटी के रूप में 80 बेड्स वहाँ डेवलप कर लिया है। नहीं फर्क पड़ेगा, अब होम क्वारंटाइन की पॉलिसी आ गई है और जरा भी व्यक्ति की सांस खुलती है तो वो कहता है मैं सीरियस हो गया हूँ। अभी डीएम सर ने डॉक्टर्स की टीम कमांड सेंटर में हमारा बना है, कमांड कंट्रोल सेंटर, उसमें बैठाई है, वो हमारा डॉक्टर बात करके असेस करेगा कि इसको L1, L2, L3 कौन सी फैसिलिटी अलॉट की जाए, कहाँ के लिए एम्बुलेंस भेज के उसको भेजा जाए। देखने में ये आ रहा है कि धड़ाधड़ बेड्स ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं और बीआरडी में सिचुएशन ये है कि अगर कोई वेंटिलेटर पे गया तो वो खाली होने में कब खाली होगा पता नहीं, बेड पे गया और उसके सिम्टम्स बढ़ते गए तो वो बेड कब खाली होगा पता नहीं। यही स्थिति L2 में भी हो रही है और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम बचाने के लिए L3 फैसिलिटी कहाँ भेजें। एज ऑफ नाउ लखनऊ के जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो 2-4 कभी कभी खाली हो रहे हैं, वो भी फुल है, तो हम वहाँ भी नहीं भेज सकते। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स भी उन्होंने ये पैनल किया है, उनमें भी किसी में 40 बेड, किसी में 70, किसी में 20, वो भी करीब करीब बगल बगल के जनपदों से, कोई उन्नाव से, कोई हरदोई से, कोई कहीं से आकर भर जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी दे सके पर बता दें जो सर ने बताया है उस वहाँ पे हैं ताकि हमें पता चल जाए। कोशिश करनी है नॉर्थ फोर डिस्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइवेट हेल्थ केयर नेटवर्क फैसिलिटीज के लिए अलाउ करा दिया है, वो चारों कर रहे हैं। यहाँ पर बैठी बहुत अपरियार हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम किन परिस्थितियों में रहते हैं और ये
जो भी एक डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बदलते समय के हिसाब से या बदलती परिस्थितियों के हिसाब से होनी चाहिए। और मुझे लगता है लास्ट 72 hours 96 hours में 4 दिन में 3-4 दिन में चीजें काफ़ी बदलती हैं। मैं साधना देश आया हूँ, एक बहुत अपरिहार्य हो जाता है कि हम आपके साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करें और समझें कि जमीन की स्थिति क्या है और हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। लक्ष्य गोरखपुर मंडल में और 4 जनपदों का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का, चिकित्सा शिक्षा बीआरडी प्रिंसिपल और प्राइवेट सेक्टर, हम सबका लक्ष्य यही है। ये पूरा हमारा जनमानस है मंडल का और जनपदों का, इसको हमें कोरोना के संक्रमण से बचाना। काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई, मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हमसे त्रुटियाँ हुई हैं और सभी सीख रहे हैं या सुनता है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं लगभग 1100 के ऊपर हमारे एक्टिव केसेस मतलब ये लोग वो हैं जिनका ट्रीटमेंट किसी ना किसी फैसिलिटी में चल रहा है। दो साक्षा में बहुत महत्वपूर्ण आए हैं विगत दिनों, जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट को उनकी परिस्थितियों और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पर होटल में या उनको होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जनपदों में जो एनिमल फैसिलिटी है जो आपकी बेसिक फैसिलिटी थी उस पर प्रेशर डेफिनेटली कम हुआ है। लेकिन हमारा एक दूसरा कार्य बड़ा है और वो परिप्रेक्ष्य CMOs और जिलाधिकारियों को ध्यान में रखना होगा, वो ये है कि फोन के थ्रू मॉनिटर किया जाना या आपके मोबाइल फोन के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग किया जाना। ये सिस्टमेटिक केस चाहे वो होटल में हो चाहे घर में हो, उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो भी लोग डिस्कस करने में कि हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम ये मानते हैं, मंडल में मानते हैं, स्वास्थ्य जगत पर हम लोग मानते हैं कि ये संक्रमण से भी बचाव प्रभावी रूप से किया जाना है, वो तभी संभव है जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल चुका हो। आपके अपने लिमिटेशंस हैं, आपके अपने कॉन्सेंट्स हैं, हमारे अपने लिमिटेशंस हैं, हमारे अपने कॉन्सेंट्स हैं। बट क्या हम गोरखपुर मंडल में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक एग्जैम्पलरी हो, एग्जैम्पलरी एक्शन हो कोरोना संक्रमण से बचाव या मैनेजमेंट के हो? और इसलिए हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, आपसे भी सुनना चाहते हैं। हम फोकस पूरी कोरोना की लड़ाई का आप इस मंडल में हमारी समझ से फर्स्ट प्रायरिटी हमारी एजुकल एथरी की होना चाहिए। अब एजुकल एथरी क्या है? आई एम नॉट एक्सपर्ट। एजुकल एथरी बेसिकली मेरे हिसाब से वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपने वेंटिलेटर की सुविधा दे रखी है, जहाँ पर आपके डॉक्टर्स के स्केल फिल्म में भी पूरा सब इतनी बेहतर होगा, उसको कैसे नई क्लिनिकल प्रोसीजर से हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब ही बीआरडी में हम शिफ्ट करें। बीआरडी में मुझे लगता है इसमें लगभग 100 बेड, बीआरडी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया 40 बेड के 5 वार्ड बीआरडी से हैं, जिसमें एक इनका वार्ड जो है आईसीयू होता है वो वेंटिलेटर वाला है, बाकी इनके 4 जो हैं नॉन वेंटिलेटर आईसीयू। और जिसमें पिछले 2 दिन में उनका पेशेंट का लेवल करीब 180 पहुँच गया था, अभी इन्होंने कोई डिस्चार्ज किए हैं। तो आज सुबह मुझे लगता है आज वार्ड में स्थिति काफ़ी पेशेंट कम है, पर एंट्री चारों जनपदों के लिए और इनफैक्ट बस्ती के भी एक दो जनपदों के लिए अकेली एंट्री है। और इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि जनपद स्तर पर हम कुछ ऐसी पेशेंट की क्लियर करें, एटलीस्ट वो एंट्रो लेवल की हो, जिससे कि पेशेंट को एटलीस्ट वहाँ पर स्टेबलाइज किया जा सके। दादा दिन कुशीनगर महाराजगंज की वजह से हम इमीडिएटली पेशेंट यहाँ पहुँचे, वो संभव नहीं होगा, लड़ाई लंबी है, हमें तैयारी जिला स्तर पर करनी पड़ेगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने उपस्थित है, स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मिलकर विभिन्न विभागों के सामंजस्य से प्रशासन पुलिस के सहयोग से दस्तक अभियान चलाया है। इनसे क्राइटिस की बीमारी के ऊपर काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। कैसे किया? हमने किया था एंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर क्रिएट करके, नीली टी को क्रिएट करके, टी को क्रिएट करके और दिन किया था। आपने बीआरडी से पहले 3 लेवल क्रिएट किए थे, 3 लेयर क्रिएट किए, जिससे कि पेशेंट का इलाज उसे घर के पास हो, जिससे कि पेशेंट के डायग्नोसिस से उसके ट्रीटमेंट के बीच का जो गोल्डन आवर है या गोल्डन डे वो मिस ना हो। और कहीं ना कहीं जो मेहनत हुई है अगर एक वीक में, वो मुझे महसूस होता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस की।
और इसलिए मैं आपके सामने बैठे हुए जिलाधिकारी और पूरी टीम उपस्थित है, हमें विचार करना होगा। एक ही मौका, एक ही व्यक्ति हमारी कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क है, वो हम संवेदनशील हैं, उसको हम बहुत गहराई से लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम संवेदनहीन हैं, वो हमें सब कुछ होता है। लेकिन किसी भी घर में एक ही मौत, ये हमारी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह आता है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वो इमीजिएटली एक्टिवेट करें, आप उनको एक फैसिलिटी क्रिएट कर लें जहाँ पर 5-7-10 बेड आप डालें और इसको वहाँ पर गैस के साथ जैसा भी जो इंतजाम किया जाना है उसको करना होगा।